हम इस वक्त खड़े हैं फतेहाबाद के गांव बोडा हाउस नाक NH9 पर। यहां जो किसान जो आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, इसके अंदर पंजाब और सिरसा के किसान जो आज दिल्ली जा रहे थे, वहीं बोडा हाउस नाक गांव के अंदर पुलिस द्वारा किसानों को रोका गया है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है और किसानों को यहाँ से आगे पुलिस द्वारा नहीं जाने दिया जा रहा। जब पुलिस द्वारा किसानों को रोका गया था, किसानों द्वारा यहीं पड़ाव डाल दिया गया था और किसानों का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन इन्हें यहाँ से दिल्ली के लिए नहीं जाने देगा, किसानों का पड़ाव यहाँ जारी रहेगा। बात की जाए तो करीबन यहाँ 1000 से अधिक जो संख्या में किसान है जो पंजाब और हरियाणा से आए हुए हैं, 3 किलोमीटर के करीब जो है यहाँ जाम लगा हुआ है। किसान लगातार जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि जब तक इन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा, ये अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और एक बड़ा पड़ाव यहाँ जो किसानों द्वारा यहाँ डाला गया है, आप देख सकते हैं कि किसान जो ट्रैक्टर ट्राली में यहाँ आए थे और उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा रोकने के बाद यहाँ पड़ाव डालकर किसान रुके हुए हैं। कुछ किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो जिला प्रशासन द्वारा यहाँ रोका गया और क्या पूरा मामला है, ये सब बताएंगे आप कि आप कहाँ से आए हैं। और हम सर हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के जाखल ब्लॉक से हैं जी। तो आप कहाँ जा रहे थे, जिला पुलिस ने आपको कहाँ रोका है? हमें सर ये इन्होंने फतेहाबाद और हिसार के बॉर्डर पर रोक रखा है, हमने दिल्ली को कूच करना है। हम सभी किसान जथेबंदियों जो मिलकर 26 नवंबर दिल्ली कूच का फैसला लिया है, उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन हमें जानबूझकर जहाँ तंग कर रहा है और जहाँ पे मिलिट्री भी बुला रखी है, इन्होंने हो सकता है किसानों पर लाठीचार्ज करने की इनकी इच्छा हो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं और हम ना ही रुकने वाले हैं। हमारा जो एक ही मकसद है, अब हमारे जो खेती कानून है उनको रद्द करवाना। जब तक वो रद्द नहीं होंगे, हम तब तक जहाँ रोड पर बैठ जाएंगे, जहां पुलिस रोकेगी हम बैठ जाएंगे वहीं पे, क्योंकि हमने शांतिमय तरीके से ये सब प्रदर्शन करना है। हम ऐसा नहीं कि चाहते कि हमारा ये प्रदर्शन उग्र हो, लेकिन हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि आप हमें सहम से समझाकर बुझाकर आगे निकलने दें, नहीं तो जहां पर ज्यादा किसान इकट्ठे हो रहे हैं, इस पर प्रदर्शन को उग्र होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर कुछ किसान और भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। जी भाजी, आप कहाँ से आए और कितनी संख्या में यहाँ किसान पुलिस द्वारा रोके गए? मैं जी सिरसा गांव वैदवाड़ा से आया हूँ और किसानों के साथ हम दिल्ली जाना चाहते हैं, वहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं सेंटर सरकार के लिए। और यहाँ पुलिस वालों ने जो है आगे बंद कर रखा है और सभी किसान यहाँ बैठे हैं और हम यही चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, अभी हमें जाने दिया जाए और हमारी तरफ से कोई भी जाम नहीं है, पुलिस द्वारा जाम लगाया गया। धन्यवाद। कहाँ कहाँ से किसान यहाँ आए हुए हैं? यहाँ पंजाब पटियाला भवानीगढ़ और इधर से हरियाणा के सभी किसान यहाँ जो हैं हजारों गिनती में यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत लंबी तादाद से यहाँ के ट्रैक्टर ट्रालियों पर यहाँ किसान बैठे हैं। धन्यवाद। किसान थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारी संख्या में यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं और लगातार जो पुलिस द्वारा इन्हें यहाँ रोका गया, किसानों द्वारा ऐसा कोई जाम नहीं लगाया गया, जो जाम है पुलिस द्वारा लगाया गया। कुछ ट्रक चालक भी हमारे साथ हैं जो बताना चाहेंगे कि ये क्या पूरा मामला। जी भाजी, आप बताएंगे ट्रक जान के पुलिस वाले ने आगे लगा दिया, ये गाड़ी ना निकले, ये गाड़ी निकल जाए क्या जाम खुल जाएगा, कोई गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, जान के पुलिस वाले ने ट्रक आगे टेढ़े करके लगाए, अभी ट्रक ना निकल सकने। आप क्या ट्रक चालक हैं? हाँ, ट्रक चालक। कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे थे? हम दिल्ली से आए हैं, पंजाब जाना है। कब आप यहाँ आए थे? हम रात को 2:30 बजे आए थे, 2:30 बजे आके इसने जान के ये गाड़ी कैंटर वाला वो आ गया भाई, ये कैंटर का वो कैंटर है, वो जान के चाबी पुलिस वाले ने फड़ के चाबी फड़ के उसकी गाड़ी से लगा दिया, रोड पे जाम कर दिया, वो सब रोड जाम हो गए। जाम किसने लगाया? पुलिस वाले ने लगाया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। आप भी ट्रक चालक हैं जी? हां, ट्रक चालक मोहन सिंह जी मेरा नाम। हां जी, कहां से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं, बठिंडा जाना था हमने। तो ये जो ट्रक आपने टेढ़े लगा रखे हैं, किसने लगाया? ये पुलिस ने लगाया जी। किसानों का इसमें क्या रोल है? किसानों का कोई रोल नहीं, किसानों को दिल्ली नहीं जाने देते भाई, यही रोल है और कुछ नहीं। किसानों का रोल है, इन्होंने शांति में से जाना था, ये बोलते भी ट्रक रुकेंगे तो इनकी मतलब जो ट्रैक्टर है वो आगे निकल नहीं सकेंगी। तो आपने पुलिस वालों को कहा नहीं कि हमारे? नहीं, हमने भी बहुत किया, अभी हमको जाने दो, बोलते नहीं जाने देंगे हम, तुम्हारी ओर से तो तुम्हारी ओर से हम खड़े हैं, ये कहें तुम बाकी तो हमारे तो हम तो परे हो जाएंगे। कुछ किसान और भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि इनके आगे जो रणनीति क्या रहेगी जिस तरह पुलिस द्वारा यहाँ रोका गया है? आगे राजनीति ये रहेगी, ये हमारा शांत भी धरना सफल होता है तो ट्रक हटाए जाते हैं तो हम दिल्ली को कुछ करेंगे। तो और भी किसान आ रहे हैं पीछे से? और भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या नाम है जी? गुरमीत सिंह। ये थे किसान जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान जो यहाँ पंजाब और हरियाणा के किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, करीबन 1000 से संख्या अधिक किसानों की है। कुछ और किसान जो पीछे से आए जा रहे हैं, करीबन 3 किलोमीटर जो करीब यहाँ जाम लगा हुआ है, पुलिस द्वारा इन्हें रोका गया है। वहीं ट्रक चालकों का भी आरोप है कि जो पुलिस द्वारा जो ट्रक हैं हाईवे पर लगाए गए हैं ताकि यहाँ जाम की स्थिति पैदा हो, आम लोग तो परेशान हो रहे हैं, वहीं किसान लगातार जो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पंजाब के लिए फतेहाबाद से रमेश भट्ट की रिपोर्ट।